यहाँ पर जो ये केव है ना, ये नेचुरल है, जहाँ पर जो रावण है ना वो स्नान किया करता था। जो नीचे जा रहे हैं अभी भाई, ऊपर थोड़ा सा भी सर लगा ना तो समझो आप गए काम से। खतरनाक केव है बिल्कुल। और मुझे ये भी नहीं पता मेरे दाएं बाएं कोई जानवर है जो मुझे काट सकता है, कोई जहरीला हो, कोई कुछ भी हो सकता है इन केव्स में। देखो यहाँ, देखो मेरे मुंह के पास में कितने सारे मच्छर आ गए, क्योंकि उनको पूरा अंधेरा ही अंधेरा, जैसे लाइट देखते हैं ना सीधा मुंह पे अटैक कर देते हैं। ऐसे हो रहा है जैसे ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वैसे छत्ता बना लेंगे मच्छर मेरे ऊपर। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रामायण की अगर जोड़ के देखें, राम सेतु है, अशोक वाटिका, जैसे रावण का महल, ये रावण की नानी की ये जगह, और यहाँ तो बच्चे बच्चे से पूछ लो भाई, वो भी जानता है रावण के बारे में। तो कोई इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब रावण नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और भाई अभी मैं हूँ एला में, एला के जो मेन टाउन में हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ मैं रावण की जो गुफा है, रावण की जो केव है। यहाँ रावण की केव है ना, एक तो दो टाइप की है यहाँ रावण की केव, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, कई बार मैप में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। एक तो नॉर्मल जैसे माउंटेन होते हैं ना उस टाइप की है, मतलब ऊपर ऊपर से आप घूम कर आ जाओगे। एक है मतलब डीपर इनसाइड जाएंगे, लगभग 800 मीटर डीप है वो, और नीचे जाकर हमें उसमें वाटर मिलेगा बहुत सारा नेचुरल वाटर, जहाँ पर रावण बात लिया करता था। तो आज हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर रावण नहाया करता था। तो भाई बहुत ही एक्साइट, बहुत ही एडवेंचरस होने वाला ये व्लॉग, इसको स्किप मत करना। और चलो देखते रहो, मैं पहुँचता हूँ अभी फटाफट से। देखो हमारी एक दादी अम्मा है, से हाय टू माय व्यूअर्स। से हाय। हाय। शी इज अ नाइस, शी इज ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, फूड एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, शी इज पेइंग फॉर मी, राइट, थैंक यू। सो भाई अगर आप भी इस केव में आते हो ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक केव है जो 5-6 किलोमीटर दूर है, जो मैंने आपको बताया था रावण की केव, वो नॉर्मल केव है। और नील दिया पाकुना जो है ना, वहाँ अगर आना है ना, तो आपको एक स्कूल का स्टैंड है, ये स्कूल के स्टैंड के नाम से आपको बोलना पड़ेगा। आप ये बोल देना नील दिया पाकुना, नील दिया पाकुना अगर आप बोल देते हो ना, तो वो लोग समझ जाते हैं बस वाले। और किस और कोई भी बस जो एला से डाउन साइड में आ रही है ना, उस बस में बैठ के आ जाओ, अराउंड 15 किलोमीटर दूरी पड़ेगी, और 90 रुपये जो श्रीलंकन रुपीज़ है ना, वो आपका प्राइस लगेगा। 90 का मतलब हो गया यार 23 रुपये लगभग, बहुत कम प्राइस है इंडियन। स्टैंड के बाद में हमें लगभग 3 किलोमीटर ऊपर जाना है। जाने के लिए यहाँ पर नीचे टुक टुक भी मिल जाएगा, आप वो भी हायर कर सकते हो, और अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल भी जा सकते हो, तो वो आप पर डिपेंड है। कई ऑफिस है यहाँ से, आपको टिकट लेनी है, और टिकट यहाँ की मैं बता देता हूँ आपको, 3,000 तो इनका जो लोकल करेंसी हो, मतलब श्रीलंका के अलावा कहीं से भी आ रहा हो, 3,000 रुपये चार्ज करते हैं, और श्रीलंकन्स के लिए ये डिस्काउंट देते हैं, तो उनको देते हैं 1,500 रुपये में। उसके साथ में आपको ये गाइड मिलता है, वो हेलमेट रखेगा साथ में, टॉर्च रखेगा, और फिर अंदर जाते हैं केव के अंदर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जंगल ही जंगल है, और ये छोटा सा रास्ता दिख रहा होगा, इसी रास्ते से होते हुए हमें केव तक जाना है। और केव की जो डेप्थ है ना, वो 800 मीटर है। 800 मीटर बहुत ज़्यादा होती है भाई, 800 मीटर में तो इंडिया के कई सूखे इलाके होते हैं ना, वहाँ पर ट्यूबवेल करते हैं, तो 800 मीटर नीचे तो पानी मिल जाता है उनको। यहाँ पर जो ये केव है ना, ये नेचुरल है, जहाँ पर जो रावण है ना वो स्नान किया करता था। तो सोच सकते हो भाई 800 मीटर नीचे, मतलब नेचुरल केव है ये, लगभग ही इन्होंने शायद मार्क कर रखा है, 5-6 हज़ार साल पुरानी ये जो केव है नेचुरल। अगर आपको यहाँ पर नहाना है ना, तो साथ में आप ड्रेस लेके आ सकते हो, जहाँ पर हमने टिकट्स ली थी ना वहीं पर आप चेंज भी कर सकते हो, और उसके बाद में नहाने के लिए जा सकते हो। तो भाई सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ पहना दिया है, मजदूर जैसे लग रहे हैं कि कहीं काम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज हम नेचुरल केव के अंदर जा रहे हैं, जिसमें ये सिक्योरिटी हेलमेट पहनाते हैं, और ये आगे एक टॉर्च भी होती है, क्योंकि अंधेरा रहता है उस केव में पूरा, और बहुत सारे बैट्स भी रहते हैं, जैसे अंदर जाते हैं तो मधुमक्खियाँ, बैट्स, मच्छर, ये नॉर्मल है भाई, क्योंकि 800 मीटर नीचे जा रहे हो और नेचुरल केव है, तो ऐसी केव्स में क्या है कि जो बैट्स है ना, अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं वहाँ पर, और मधुमक्खियों के छत्ते भी होते हैं बहुत सारे, तो थोड़ा सेफ्टी से जाना पड़ता है, इसीलिए ये सब ज़रूरी भी है यार। वो जो आगे आपको दिख रही ना, वही केव है भाई रावण की, जहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं। भाई देखो कितनी खतरनाक केव है, यहाँ से स्टार्ट होती है।
सो भाई फाइनली हम भी केव के अंदर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई है, और ये जो सीढ़ी है ना ये बहुत ही ख़तरनाक है, बिकॉज इन्होंने लोकल तरीके से बनाई हुई है, लोकल लकड़ियाँ ले रखी, उनको बांध रखा है छोटे छोटे तारों से, तो अगर ये टूटी तो आप सीधा गए नीचे और नीचे से सीधा ऊपर, ऊपर समझ रहे हो ना कहाँ जाओगे, फिर डायरेक्ट वही हालत है इधर की। यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी देखो एक सीढ़ी बना रखी लोहे की जिस पर फिसल सकते हो आप कभी भी, और उसी से ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तो भाई मैं ट्राई करता हूँ, मैं तो गाइड को ऐसे शो करता हूँ कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो नेक्स्ट लेवल का बंदा हूँ, मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ सेफ्टी यार फर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं एडवेंचर करता हूँ तो मेरे लिए सब ईजी है, बट थोड़ा दिल बड़ा रखना पड़ता है इसी जगह पर आने से पहले, वही बड़ा दिल करके और नीचे जा रहे हैं अभी। भाई ऊपर थोड़ा सा भी सर लगाना तो समझो आप गए काम से, ख़तरनाक ये हुआ बिल्कुल। और मुझे ये भी नहीं पता मेरे दाएं बाएं कोई जानवर है जो मुझे काट सकता है, कोई जहरीला हो, कोई कुछ भी हो सकता है इन केव्स में। देखो ऐसा कुछ है इधर सिस्टम ही भाई पता नहीं खतरनाक बना रखा है। फर्स्ट टाइम है भाई मैं इस टाइप की नेचुरल केव में और इतना डीप जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आपको क्लियर कुछ दिख भी रहा होगा, बट जो भी है वो दिखाने की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। यहाँ देखो मेरे मुंह के पास में कितने सारे मच्छर आ गए, क्योंकि उनको पूरा अंधेरा ही अंधेरा, जैसे लाइट देखते हैं ना सीधा मुंह पे अटैक कर देते हैं। ऐसे हो रहा है जैसे ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वैसे छत्ता बना लेंगे मच्छर मेरे ऊपर। पूरा डेंजरस है भाई, इतनी डेंजरस केव मैंने आज तक नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखी। देखो रास्ते देखो, मैं मोबाइल की टॉर्च चलाई अभी। बहुत ज़्यादा मच्छर आ रखे हैं मेरे फ़ोन पर और हालत ख़राब हो रखी है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आगे का पता नहीं भाई क्या हालत होगी। पत्थर है ना इन पर, देखो पानी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा फिसलन है इनके ऊपर। मतलब अगर मैं इसको डिस्क्राइब भी करना चाहूँ ना, मच्छर आ रहे हैं मुंह में घुस रहे हैं यार। जो चट्टाने इतनी बड़ी बड़ी, जैसे कि कोई सैलाब आया और वो बड़ी बड़ी चट्टाने बन गई हैं, देखो बहुत डेंजरस। लेट्स गो, केव है ना वहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखो ये पानी है, देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, और ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। मतलब आगे की साइड जैसे इन्होंने कुछ वार्निंग्स लगा रखी हैं, आप देख रहे हैं ना, उससे आगे गए तो समझो मर गए। और ऊपर का सीन ये है इधर का, देखो बहुत आगे तक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि लगभग ये 400-500 मीटर में फैली हुई है। फाइनली राउंड की जो केव है उसमें हम नहा रहे हैं, देखो ये क्रिस्टल क्लियर पानी है। गोप्रो को अंदर जाने दो क्या यार? नहीं नहीं, अगर ख़राब हो गया तो यहाँ पर अपने पास में अल्टरनेटिव नहीं है। फाइनली राउंड की जो केव है उसमें हम नहा रहे हैं, देखो ये क्रिस्टल क्लियर पानी है। गोप्रो को अंदर जाने दो क्या यार? नहीं नहीं, अगर ख़राब हो गया तो यहाँ पर अपने पास में अल्टरनेटिव नहीं है। आपको मेरा हाथ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। रावण का यार जब आप है ना, जब सिगरिया साइड में रहोगे तो भी रावण की बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन जहाँ पुष्पक विमान उतरा था वो भी है वहाँ, और रावण का महल भी है। क्योंकि मैं यहाँ स्लो बोल रहा हूँ, अगर मैं तेज़ बोलूँगा तो यहाँ बहुत तेज़ गूंजेगी आवाज़, ये पूरी केव है ना। और जब आप अहला साइड आते हो ना, तो यहाँ तो आपको रावण रिसोर्ट, रावण होटल, रावण हॉस्टल, ये सभी मिलेंगे। इवन रावण का मैंने एक फ़ोटो भी लिया था, मैं अभी आपको नीचे दिखा दूँगा, जो जिसको फ्लाइंग रावणा, मतलब टॉप पर एक बड़ा स्टैचू बनाया हुआ। तो यहाँ पर है ना रावणा को बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि यार रावणा है ना यहाँ पर रहा करता था, यही केव थी जहाँ पर बात लिया करता था। तो ऑब्वियस ही बात है स्थानीय लोग है ना, स्थानीय लोग तो उनकी पूजा करेंगे जहाँ वो रहता था, जहाँ से जहाँ पर बार बार आता, तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग पूजा करेंगे, उसको मानेंगे।
और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रामायण की अगर जोड़ के देखें, राम सेतु है, अशोक वाटिका, जैसे रावण का महल, ये रावण की नानी की ये जगह, और यहाँ तो बच्चे बच्चे से पूछ लो भाई, वो भी जानता है रावण के बारे में। तो कोई इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब रावण नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकार सोचा बातें करती हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक के वह ऐसा एडवेंचर आज तक यार मैंने नहीं किया। पूरा कैमरे पानी में भी चला गया था, पता नहीं बचेगा कि नहीं। और आपने देखा इतनी यार, आते वक्त तो मैंने रिकॉर्ड करना कोई मतलब ही नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गए थे जाते टाइम में, बट हाँ वहाँ बात लेने के बाद में बिल्कुल फ्रेश हो गए। ये भाई आज के गाइड है, थैंक यू। सो यहाँ सिर्फ गाइड बस ये हेलमेट पकड़ाने के लिए, टॉर्च दिखाने के लिए, बाकी कोई खास गाइड करते नहीं है। थोड़ा सा डेंजरस यार, आप में वेट अगर ज़्यादा है या थोड़ा डरते हो डीप में जाने से, तो यार थोड़ा सा मलकर करना ये एक्टिविटी। बाकी यार आपने देखा ही पूरे केव का आनंद लिया है भाई, यही वो जगह है जहाँ पर रावण नहाया करता था, यही वो केव है। और रावण की जो सारी जगह है ना, वो बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है। ये भी जो मेन रोड है उससे 3 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है, फिर जहाँ से इनकी टिकट्स मिलती है वहाँ से भी फिर आधा किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, फिर है ये केव। देखो मैं दिखाता हूँ।